हेलो एवरीवन, आज जो रेसिपी मैं लेकर के आई हूँ वो आजकल इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रही है। फ्रूटी बनाने की रेसिपी कि घर में आप फ्रूटी कैसे बना सकते हैं। मैंने भी ट्राई किया और मैं आपको बताऊंगी कि ये वाकई फ्रूटी जैसा है या नहीं है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। वैसे तो मैं वायरल रेसिपीज जल्दी ट्राई नहीं करती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा ये वायरल हुई थी कि मुझे लगा चलो गर्मियों का सीज़न है, नहीं फ्रूटी बना तो कम से कम कुछ तो पीने लायक बनेगा ही। तो क्या बना और कैसा बना इसको जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। पके और कच्चे आम दोनों इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं, तो इसके लिए आपको पके और कच्चे दोनों आमों की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने एक पका हुआ आम लिया है और एक कच्चा लिया है, पर कच्चा आम जो है वो पूरा इस्तेमाल नहीं करना है। पका हुआ आम हम पूरा इस्तेमाल करेंगे और कच्चे आम का आधा टुकड़ा हमें इस्तेमाल करना है। तो आम को हम छील लेंगे। तो पके हुए आम को छीलने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक ये होती है कि इसको आप 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए। उसके बाद आप इसको छीलेंगे तो इसके छिलके आसानी से उतर जाते हैं। नहीं तो क्या होता है कई बार कि पल्प थोड़ा सा लूज़ रहता है तो वह नहीं छीलते हुए बनता है, पीलिंग नहीं हो पाती अच्छे से। तो मैंने आम को छील लिया है अच्छे से। अब मैं इसके टुकड़े काट के निकाल लेती हूँ, गुठली अलग कर लेंगे और ऐसे ही करके हमें कच्चे आम को भी आधा काट लेना है। उसके बाद इसमें हमें जितना हमारे पास मटेरियल है, मतलब जितना आम है, उतना ही पानी डाल के और थोड़ी सी चीनी, जैसा आपको मीठा पसंद हो, इसको डाल के उबाल लेना है। उसके बाद हमें इसको ठंडा कर लिया है पूरा एकदम रूम टेम्परेचर पे। आने के बाद हम इसको मिक्सर में डालेंगे और एक्स्ट्रा पानी अब इसके बाद हमें इसमें नहीं डालनी है, इसमें हमें डालना है आइस क्यूब। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बॉयल होने के बाद इसमें कच्चा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। ऐसा ही मैंने वीडियो में देखा था जो वायरल हुई थी, तो मैं ऐसे बना रही हूँ। टेस्ट कैसा होगा ये मैं आपको आगे बताऊँगी। तो पहले चलिए इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो बिल्कुल आपको स्मूथली ब्लेंड कर लेना है, मतलब इसमें वैसे तो कोई गुठली का पार्ट आया नहीं है तो छानने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन आप अगर चाहें तो इसको छान भी सकते हैं और इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। तो कलर तो है जो वो मार्केट वाले फ्रूटी से थोड़ा सा हल्का ही लग रहा है क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव डाली जाती है, लेकिन हाँ मैंने इसमें थोड़ा सा आइस क्यूब कम डाला था तो ये थोड़ा डार्क भी लग रहा है। अब चलिए पी के देखते हैं कि क्या है इसका। तो चलिए ट्राई करते हैं। कुछ कुछ तो टेस्ट जाना पहचाना लग रहा है इसका। जी हाँ, ये फ्रूटी ही है। वाओ, मैंने फ्रूटी बना ली घर में। अब अपने बच्चों के लिए फ्रूटी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बनाइए, पिलाइए, एंजॉय।